मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 19 साल का एक युवक कथित तौर पर 10 रुपए की शर्त के तहत रविवार को तैरकर तालाब पार करने की कोशिश करते समय डूब गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना जिला मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर दूर देवरी पुलिस थाना क्षेत्र के गोविकपुर गांव में 11 बजे हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खालपुसे ने कहा कि मृतक हरीश और हिवारती दोस्तों के समूह में शामिल था और तीनों ने ये जानने के लिए 10 रुपए की शर्त लगाई थी कि कौन सबसे तेज तैरता है। हालांकि अहिवार बीच रास्ते में डूब गया, उसका शव दोपहर 3 बजे बरामद कर लिया गया। गाँव में फिलहाल मातम पसर गया है। देवरी पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है। रायसेन से नवेंद्र राय की रिपोर्ट। दिनांक 12 से 12:30 के बीच दिन की बात है, ये तीन दोस्त गोरखपुर के बड़े तालाब में नहाने गए थे। उस समय दो तीन के साथ ही तैर कर बाहर निकल गए और जो हरीश नाम का लड़का है ये तैर कर बाहर नहीं निकल पाया। बाद में दोस्तों ने सूचना दी, इसकी तलाश की गई तो जिसके तलाश में डूबने से उसकी मृत्यु हुई थी, जिसको बाद मौके से लाया गया और अस्पताल में उसका मौके पर अस्पताल की कार्रवाई की जा रही है। पीएम वगैरह हो चुका है और जाँच में प्रकरण अभी